मम्मी मुझे कुछ पैसे दो। नहीं है। कहा ना, मुझे पैसे चाहिए। मैंने बोल दिया ना पैसे नहीं है। मुझे ड्रग्स लेने की लत पड़ गई थी और मुझे ड्रग्स चाहिए थी, और ऐसी हालत में मैं अपने माता पिता के साथ कुछ भी कर सकता था। रुक जाओ। वो मेरे पीछे दौड़ा। मैं बिना जूते पहने ही उबड़ खाबड़ सड़क पर भागी जा रही थी। मेरे पैरों में दर्द होने लगा। मैं अब और नहीं भाग पा रही थी। मैं चिल्लाई, परमेश्वर मेरी मदद कीजिए, परमेश्वर मेरी मदद कीजिए, मुझे बचाइए। मैं जब चिल्ला रही थी तो मैंने उसे अपने पीछे देखा। उसमें भागने लायक ताकत नहीं थी। फिर मुझे एक मोटरसाइकिल सवार मिला जो मुझे मेरे बेटे से दूर ले गया। बतौर एक माँ मैं ये सोचती रही कि वो मेरा बेटा है, वो मेरी उम्मीद है। तो अगर वो पूरी जिंदगी एक खराब इंसान रहेगा तो मुझे किस लिए जीना है। ये अपने बच्चों के प्रति एक माँ का प्यार है, और सबसे अहम बात यह है कि बच्चे परमेश्वर का तोहफा होते हैं। इस बात ने कभी भी मुझ पर वजन नहीं डाला, और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं गलत था। मुझे लगा कि इस घटना के बाद कुछ हुआ ही नहीं था। पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी में मेरी माँ की कोई अहमियत नहीं थी। मेरे परिवार में एकजुटता नहीं थी। मैं जब छोटा ही था तो मेरे माता पिता अलग हो गए थे। जानवी ने एक टीवी और डीवीडी प्लेयर चुरा लिया। उसने अपनी माँ के कपबोर्ड से कुछ पैसे भी चुरा लिए। फिर मैंने पुलिस बुला ली। हेलो, गुड मॉर्निंग, आप पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं? मेरे बेटे ने मेरे साथ मारपीट की है, उसने मेरा कुछ सामान भी चुरा लिया है। आप लोग प्लीज जल्दी आ जाइए। किसे ढूंढ रहे हैं? मैं जॉनरी को ढूंढ रहा हूँ। जेन, कोई आया है? क्या बात है सर? क्या तुम ही जॉनरी हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। मेरे साथ आओ। मैं जानता था कि मैंने क्या किया था, इसलिए मैं उनके साथ चला गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, इसलिए मुझे कोई चिंता भी नहीं थी। मैं तो जैसे छुट्टियों पर आया था। मैं अपने आप से यही कहता रहा। मैंने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी। मैं जूनियर हाई स्कूल में था। मेरे पास ड्रग्स खरीदने लायक पैसा था, पर मेरे पास प्यार मोहब्बत खरीदने लायक पैसा नहीं था। लिहाजा मैं बाहर सुकून और मोहब्बत ढूंढने लगा। मेरे पास बहुत बढ़िया चीज है, थोड़ी सी लो, मजा आ जाएगा। ये महंगी है क्या? ये तो इतने ही दाम की होती है। हाँ, मेरे पास इतना ही है। लो। ओके ओके, थैंक यू। मैं कई बार जेल जा चुका था, लेकिन फिर भी सोचा करता था कि इस दुनिया से कैसे बाहर निकला जाए। मेरे लिए ये सब छोड़ना आसान नहीं था। अगर मैं छोड़ता तो मर जाता, और अगर ये सब इस्तेमाल करता रहता तो भी मैं मर जाता। बेचैनी की हालत में जानवी की माँ परमेश्वर की शरण में आई और उनसे संवाद किया। परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए मैंने कहा, अब मैं सबको और नहीं झेल सकती, मेरी मदद कीजिए। या तो मेरा बेटा मर जाए या फिर मैं अब इस सबको और नहीं सह सकती थी।
मुझे लगा कि उसने जो कुछ किया था वो मैं नहीं कर सकती थी। लेकिन परमेश्वर, मैंने आपसे एक वादा किया था। मेरी इच्छा थी कि मेरा पुत्र आपका सेवक नहीं बल्कि आपका पुत्र बनेगा। मैं जो ड्रग्स लेता था उनकी मात्रा बढ़ती ही जा रही थी, तो मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि ज्यादा ड्रग्स लेने के बावजूद मुझे उनका असर क्यों नहीं हो रहा था। मैं परेशान हो रहा था, इसलिए मैंने ड्रग्स की तादाद बढ़ा दी। मुझे सिर में बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। फिर मुझे परमेश्वर का अस्तित्व याद आने लगा, इसलिए मैं कहने लगा, परमेश्वर मुझे इस सब से निकालिए, मेरी मदद कीजिए परमेश्वर। मैंने परमेश्वर से वादा किया कि अगर मैं इस मुसीबत से निकल गया तो मैं उनका अनुसरण करूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत निराश हो चुका था, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। अचानक इस अंधेरे की जगह रोशनी ने ले ली। मैंने देखा वहां एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति स्वयं परमेश्वर थे, उनके हाथ खुले हुए थे। मैं परमेश्वर के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे माफ करें। मैं इस सब के लिए अफसोस जाहिर करता हूँ परमेश्वर, मैं वादा करता हूँ कि पूरी आस्था से आपके रास्ते पर चलूंगा। मैंने अपने चेहरे को दाएं और बाएं से छुआ, मेरे मुंह में जैसे फोम था। मैं जानता था कि मैं ड्रग्स की ओवरडोज ले चुका हूं। मैंने पहली बार परमेश्वर का धन्यवाद किया कि उन्होंने मेरी जिंदगी बचा ली थी। मैं तो परमेश्वर की मौजूदगी पर कभी विश्वास ही नहीं करता था, लेकिन इस घटना के बाद से मैंने पूरी आस्था से मानना शुरू कर दिया कि इस जगत में परमेश्वर मौजूद है। जेल में 18 महीने बिताने के बाद जेनरी अपनी माँ के पास घर लौटने वाले थे। मम्मी, आपकी ममता और आपके प्यार के लिए धन्यवाद। मैं आपके साथ गलत व्यवहार करता रहा, फिर भी आपने मुझे रास्ता दिखाया। आप मुझसे कभी भी नाराज नहीं हुई। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मैं दिल से माफी मांगता हूँ। मैंने उससे कहा, जेनरी, मैं तुम्हें हमेशा माफ करती आई हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर जेनरी को एक अच्छा इंसान बनने का अवसर दे। जेनरी भी इस बात को जानता है। मैं परमेश्वर की लगातार उपासना तब तक करती रहूंगी जब तक वो मेरी उपासना का उत्तर नहीं देते। मैंने यीशु के दर्शन किए हैं। मैंने देखा है कि वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही विस्मयकारी हैं। मुझे उन्हीं के कारण जीवन में इतना आनंद और आजादी मिली है। मैं तो ये जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे दुनिया के अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं।